फूल वगैरह पेश होंगे और चादर वगैरह चढ़ेगी और आप लोग ये देखो क्या खूबसूरत मंजर है। आप लोगों को पता अभी गर्मी के टाइम में काफी गर्मी है तो यहाँ पे शरबत भी दिया जाता है। आप लोग ये देख सकते हो, मतलब जो भी लेडीज होती है वो इधर बैठती है अफ्तारी खोलने के लिए और जो भी जेंट्स होता है वो अंदर बैठता है अकबर मस्जिद में। दोस्तों गाइस आप सभी को मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो। इसी के साथ में हम चलेंगे दरगाह शरीफ के अंदर, आप लोगों को दिखाएंगे अंदर का तरफ किस तरीके से माहौल है, मतलब अफ्तारी के टाइम में किस तरीके का माहौल रहता है दरगाह शरीफ में, और इसी के साथ में दरगाह शरीफ के बाहर का क्या मंजर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसी के साथ में आप लोग चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लेता कि आप लोगों को वीडियो के आगे से आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी चलते और दिखाता आप लोगों को मतलब रमजान में कैसा माहौल रहता है वो सब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। और मतलब काफ़ी सारी पब्लिक आई हुई आज मतलब ज़ियारत करने, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। बाकी चलते और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो जैसे ही गाइस अभी हम दरगाह शरीफ पहुँचने वाले, आप लोग सामने देख सकते हो वो अजमेर शरीफ दरगाह, और बाकी आप लोग देख सकते हो बाहर थोड़ी बहुत पब्लिक है, मतलब रमजान में भी थोड़ी बहुत पब्लिक रहती है आप लोग देख सकते हो। उसी के साथ में काफ़ी खूबसूरत माहौल है अभी, बाकी अंदर चलेंगे दरगाह शरीफ के अंदर का कैसा माहौल है वो दिखाएंगे, और इसी के साथ में आप लोगों की दरगाह शरीफ में जाके आप लोगों की ज़ियारत कराएंगे, और अकबर मस्जिद में आप लोगों को जैसे पता है रोज़ा आने वाले सब रोज़ा खोलते हैं वो भी दिखाएंगे आप लोगों को माहौल। बाकी चलते हैं और दिखाता आप लोगों को। जैसे कि इसमें आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को बता दूँ अजमेर शरीफ में जब भी रमजान चलते हैं, मतलब जो कोई कोई दुकान का काम करवाता है, कोई होटल का काम करवाता है, मतलब वो एक महीना जो होता है इनका वो कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, रिनोवेशन करवाते हैं, क्योंकि पूरे साल में इनको एक महीने का ही टाइम मिलता है जब वो कुछ ना कुछ करवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे 11 महीने ऊपर वाले की तरफ से इतनी भीड़ रहती है जिसकी कोई हद नहीं। और ये सागर बाबा, काजू बादाम वाले बाबा। तो जैसे कि हम लोग दरगाह शरीफ के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और कितना खूबसूरत माहौल है आप लोग देख लो, सारी दुकानें खुली है। कैसे आप लोगों को एक बात और बताऊँगा कि मतलब दरगाह बाजार के जितने भी दुकान वाले होते हैं, काफ़ी सारे लोग जिनकी खुद की दुकान होती है या रेंट की दुकान भी होती है, वो मतलब एक महीने हैदराबाद जाके दुकान लगाते हैं, वहाँ पे मेला या पता नहीं क्या चलता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे दुकान वाले दुकान लगाते हैं। तो बाकी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का माहौल। तो जैसे कि सब अंदर चलेंगे आप लोग की ज़ियारत भी कराएंगे और आप सब लोग के लिए दुआ भी करेंगे। बाकी हम लोग मेन दरगाह गेट के यहाँ पर पहुँच चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो जैसे ही गाइस हम लोग बुलंद दरवाजे से अंदर आ चुके हैं, अब अंदर का माहौल दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह का माहौल है। अब आप लोगों को पहले मैं बड़ी रेख और छोटी रेख दिखा देता हूँ। तो जैसी कैसी है अजमेर शरीफ की सबसे बड़ी रेख है, और इसी साथ में वो सामने आप लोग देख रहे हो वो छोटी रेख है, और बाकी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे भी कैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी मन्नत वगैरह के धागे बांधे जाते हैं, और ये सामने वजू खाना। तो जैसी कैसे आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे अफ्तारी का टाइम होने वाला है, इसलिए सब वजू कर रहे हैं और हम भी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से अफ्तारी होती है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है पब्लिक जो भी मतलब रोज़ा खोलना आती है उसको। तो सो गाइस आप लोग सामने देखो यह वजू खाना, जस्ट वजू खाने के सामने कितनी खूबसूरत दरगाह की फ़ोटो और तस्वीर लगी हुई, देखो काफ़ी खूबसूरत लगी, मेरा आज ही नज़र पड़ी इस पर, काफ़ी खूबसूरत है। बाकी हम इस गेट से अंदर चलेंगे और यहाँ पर जो भी रोजेदार होते हैं उनके लिए अफ्तार लगना स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सारे रोजेदार बैठे हैं और ये दरगाह शरीफ का गुंबज, यहाँ पर आके काफ़ी सुकून मिलता है जैसे कि आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर जितने भी रोजेदार होते हैं उनको देखो पानी वगैरह सब चीज़ की सुविधा अवेलेबल होती है, जितने भी फल फ्रूट वगैरह होते हैं जो भी रोज़ा रखता उनको सारी फैसिलिटी मिलती है। बाकी आप ऊपर चलेंगे और ऊपर से भी दिखाता आप लोगों को। देखो इस कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ पर, बहुत ज्यादा खूबसूरत माहौल है ये दरगाह। भाई
रोजा खोल लो, अंदर बैठो। बहुत ज्यादा खूबसूरत मॉल है। तो जैसे ही गाइस आप लोगों को पता है अभी गर्मी के टाइम में काफी गर्मी है, तो यहाँ पे शरबत भी दिया जाता है आप लोग ये देख सकते हो। मतलब जो भी रोजा रखता है मतलब सुबह से कुछ भी नहीं खाता, ये देखो केक वगैरह मतलब सब चीज मिलती है। और यहाँ पे रमजान में भी चादर वगैरह पेश होती है, मतलब काफी खूबसूरत मॉल रहता है आप लोग देख सकते हो। बहुत ज्यादा खूबसूरत मॉल है। सब एक साथ मतलब जो भी लेडीज होती है वो इधर बैठती है अफ्तारी खोलने के लिए, और जो भी जेंट्स होता है वो अंदर बैठता है अकबरी मस्जिद में। अभी ये बैठे हैं, इनके लिए भी मतलब पहले पानी की बोतल आ गई, अब डिस्पोजल वगैरह सब आएंगे। और वाकई जन्नत के दरवाजा, हमारी दुआ कबूल हो गए। और इसी साथ में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सब की भी जो भी दुआ है वो सारी दुआ है कबूल हो। और ये देखो ये सब चादर पेश करने जा रहे हैं और दुआएं मांगने जा रहे हैं अंदर। बहुत खूबसूरत मॉल है जी देखो। तो जैसे कैसे आप लोगों को बता दूं, मैं अभी खिदमत का समय है, तो 15 मिनट बाद में गेट खुलेगा, उसके बाद में फूल वगैरह पेश होंगे और चादर वगैरह चढ़ेगी। और आप लोग ये देखो क्या खूबसूरत मंजर है। तो गाइस मैं आप लोगों की दुआ करता हूँ, आप लोगों की जो भी मन्नत और मुराद है सारी पूरी हो, और इसी के साथ में मेरी भी जो दिल से दुआ है वो सारी पूरी हो। बस आप अपने भाई को सपोर्ट करो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोग वीडियो देखो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो। और वो माँ देखो कितने छोटे छोटे बच्चे प्लेट बना रहे अफ्तारी के लिए, ये देखो ये सब देखो, केला चीकू एप्पल काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये देखो अफ्तारी के लिए, और वो जूस वगैरह भी है। और यहाँ पे ये प्लेटें बन चुकी है और वो सारी प्लेटें बन रही है, आप लोग देखो काफ़ी खूबसूरत मॉल है। बाकी चलते और आप लोग और करीब से दिखाता हूँ। ये देखो बस इतनी सारी प्लेटें बन चुकी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉल है गाइस। ये यहाँ पे भी बैठने के लिए तैयार हो रहा है भैया। और यहाँ पे भी गाइस आप लोग देख सकते हो खीर के लिए कटोरे रेडी हो चुकी है, जो भी रोजेदार है उनके लिए। काफ़ी खूबसूरत मॉल है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये बांटने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसी के जो बाद में आता है उनके लिए अफ्तारी के लिए यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुकी लाइन, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले इनको केले दिए जा रहे हैं, ये देखो पूरी लाइन लग चुकी है। और ये सामने 10 नंबर गेट है, काफी खूबसूरत मॉल है आप लोग ये देखो। और ये पानी की बोतलें बांटी जा रही है, तो जैसे कि सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटें लगना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे गाइस आप लोगों को बता दूं, मैं अब रोजा खोलने का टाइम हो चुका है, नवाजदा हो चुकी है। अरे
चलो चलो।